राम राम भाई सारा ने आज मैं भाई सारे भाई ने शरीर का बारे में बताऊंगा अपने बॉडी किस प्रकार मना भाई अपनी पूरी बॉडी का मना भाई अपना पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए अपना पाचन तंत्र टेस्ट अपना अच्छा होगा नहीं अपनी बॉडी ऑटोमेटिक बनेगी। आज कई बार बताया जाए नहीं भाई मेरी बॉडी नहीं बनती मेरा खाया पिया नहीं लगता खा पिया इस करके ना आता भाई अपना पाचन तंत्र सही नहीं होता पहले युद्ध होकर सारा दिन ही युद्ध लड़े जाते उनका पाचन तंत्र इतना अच्छा होता भाई जो कुछ खावा थे सब पचा करा था उनका अपना पाचन तंत्र इतना अच्छा होना चाहिए भाई अपना जो कुछ खावा अपना सब पचागा जब अपनी अच्छी बॉडी बनेगी। दूसरी बात भाई अपना अच्छी बॉडी बनानी भी डेली वर्कआउट करना पड़ेगा डेली भाई अपना व्यायाम करना वर्कआउट के बाद अब जब अपना फेफड़े और दिल अच्छे रहेंगे जब डेली वर्कआउट करेंगे नहीं जब अपनी अच्छी बॉडी बनेगी भाई अच्छी बॉडी बनाने भी तो डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी भाई अपना सफेद मूसड़ी और सुगंधा जरूर लेनी चाहिए ऐसी आधी ऐसी डाइट है भाई अपना देश में भी नहीं मिल जाए। जिस तरह भाई अपना बर्गर का पेड़ हुआ है बर्गर पेड़ अपना हर जगह मिल जाए भाई अपना इसके भाई इसमें पत्ता तोड़ेंगे नहीं अपना सफेद सा दूध सा निकलेगा वो अपना पतासा में लेगा खाना चाहिए इसमें जोटा वर्गी जान हो जाए अपना अपना शरीर में। तीसरी बात भाई अपना जितना अच्छा खाना खाओगे उतना अपना पाचन तंत्र सही रहेगा और उतना अपना रस निकलेगा अपना रस का होगा भाई आप जितना अच्छा खाना पियेंगे नहीं अपना रस तो बनेगा अपना खून होगा 11-12 लीटर हो जाए 13 भी हो जाए अपना शरीर खून जितना अच्छा रहेगा उतना शरीर अपना फिट रहेगा जितना अपना पाचन तंत्र सही रहेगा उतना अपना खून सही रहेगा खून अच्छा रहेगा पाचन तंत्र सही रहेगा सारा मेल तोल होगा इनका सारा शरीर अपना फिट रहेगा अपना भोजन अच्छा खाना चाहिए अच्छा सलाद खाना चाहिए अच्छा व्यायाम करना चाहिए भाई अपना रोटी खाने के बाद भाई अपने दो व्यायाम जरूर करने चाहिए सुबह और शाम अपना वज्रासन करना चाहिए 10-10 मिनट इस करके अपनी अच्छी बॉडी बनाएगा भाई अपना अच्छा सलाद जरूर खाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो भाई कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।